बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। मैट्रिक सिंटेक्स बुक बोर्ड बायोलॉजी लेक्चर 5 हम करने जा रहे हैं, गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। चैप्टर नंबर 1 की ये 5th वीडियो बनने जा रही है, पांचवा लेक्चर। क्विक रिव्यू कर लें। फर्स्ट वीडियो में हमने गैशियस एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट को समझा, उसके बाद हमने जो है वो गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स उसको समझा, उसके बाद हमने स्टोमेटा की के मैकेनिज्म को समझा, उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग को समझा, और उसके बाद जो है हमने गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स उसको समझा चौथी वीडियो में, और पांचवी वीडियो में अब हम जो है वो गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस इसको देखने जा रहे हैं, ख़ास तौर पे इंसानों में क्या मामला है इसका, गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। एनिमल जो है वो आम जिंदगी में तो किसी और को कहा जाता है, लेकिन बायोलॉजी की दुनिया में इंसान भी एनिमल्स ही हैं, ठीक है। हायर ऑर्डर एनिमल्स जो है वो इंसानों को कहा जाता है, बराबर। तो इंसानों के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज का सिस्टम है, यहाँ पर ये तीन हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड है, मतलब तीन एरियाज जो है यहाँ पर हम इसको देखते हैं। इसको कहते हैं रेस्पायरेशन, पहली बात रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस हो रहा है, इसके अंदर जो हो रही है ब्रीथिंग हो रही है, पहले सांस लेने का अमल हो रहा है, यानी कि ये जो हम कह रहे हैं ये ब्रीथिंग हो गई। ब्रीथिंग के बाद जो है हमारे पास दूसरा स्टेप जो हमारे पास जो है वो आता है उसका अपना गैशियस एक्सचेंज होती है, ब्रीथिंग होती है, उसके बाद गैशियस एक्सचेंज। और तीसरे स्टेप के ऊपर इसके अंदर होता है सेल्यूलर रेस्पायरेशन, सेल्यूलर रेस्पायरेशन, जो हम रेस्पायरेशन कहते हैं ना, कि ये रेस्पायरेशन हो रही है। रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, और ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या कर रही है, ये बॉडी में जाने के बाद जो है वो बॉडी में मौजूद ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ केमिकली रिएक्ट कर रही है, ठीक है। ये ऑक्सीजन हमने इनहेल की, ये ग्लूकोज ऑलरेडी हमारी बॉडी में मौजूद हैं, जो हमने फूड खाया है उसमें ये ग्लूकोज शामिल था, ये आ गया, ऑक्सीजन ले ली, और ये ऑक्सीजन जाके जो है केमिकली रिएक्ट कर रही है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, वाटर पैदा हो रहा है, और एनर्जी रिलीज हो रही है डेल्टा एच से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये काम हो रहा है, इसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन। तो बेसिकली ये रेस्पायरेशन नहीं है, बल्कि रेस्पायरेशन का ये जो हम प्रोसेस बता रहे हैं ना, ये रेस्पायरेशन का एक पार्ट है, जिसको हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पायरेशन। सेल्यूलर रेस्पायरेशन मतलब जो कि ये प्रोसेस हुआ है सेल्स में, ये एक्चुअली जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ केमिकली रिएक्ट कर रही है, ये कहाँ हो रहा है, ये आपकी बॉडी में सेल्स के अंदर हो रहा है। तो सेल्स के अंदर जो हो रहा है इसको हम कहते हैं नॉर्मली रेस्पायरेशन भी कहते हैं, इसी को इन शॉर्ट जो है हम वो रेस्पायरेशन कहते हैं। लेकिन रेस्पायरेशन में सिर्फ यही नहीं हो रहा कि ऑक्सीजन केमिकली रिएक्ट कर रही है ग्लूकोज के साथ, बल्कि ओवरऑल पूरा अगर रेस्पायरेशन का प्रोसेस देखें तो उसके अंदर ये तीन स्टेप्स हो रहे हैं। एक तो ब्रीथिंग का प्रोसेस हो रहा है, सांस लेने का, जिसमें एयर जो है वो उसका किरदार है कि वो एयर आपकी बॉडी में जा रही है, ये एयर गई आपकी बॉडी में, एयर जो गई है नोज के ज़रिए आगे वो कहाँ गई है, आपके लंग्स में। एयर कहाँ जा रही है, लंग्स में। लंग्स में पहुँचने के बाद लंग्स का जो बिल्कुल आखिरी बस स्टॉप है उसको हम कहते हैं अल्वियोलाई। रेस्पायरेटरी सरफेस का कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो के अंदर हम देख चुके, ये रेस्पायरेटरी सरफेस है आपकी, कहाँ मौजूद है, ये लंग्स के अंदर मौजूद है, या पूरे के पूरे लंग्स असल में इसी से मिलके बनते हैं, अल्वियोलाई से ही। और यहाँ पर आने के बाद ये दूसरा प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस ब्रीथिंग के बाद हो रहा है, ब्रीथिंग सांस लेना, एयर अंदर गई जिसमें एयर इन्वॉल्व है, अंदर जो एयर गई लंग्स में गई, लंग्स में कहाँ गई, अल्वियोलाई के पास गई, वहाँ पर जाके गैशियस एक्सचेंज हुआ। क्या मतलब हुआ इस बात का, कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई
और ऑक्सीजन जो है वो अंदर गई। किस चीज़ के अंदर से? कार्बन डाइऑक्साइड निकल के लंग्स में आई, और लंग्स में से जो ऑक्सीजन जा रही है आगे वो किस चीज़ में जा रही है वो बता दूं आपको। ये दोनों चीज़ें ब्लड में मौजूद, ब्लड, ये ब्लड है जो कि गाड़ी का काम कर रहा है लेके जाने का और लाने का। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई जो कि रेस्पिरेटरी सरफेस है जहाँ पर एक्सचेंज होना है, अल्वियोलाई में ये कार्बन डाइऑक्साइड आती है। कहाँ से आती है? ब्लड से आती है। और उसी लम्हे, मैंने कहा ना एक्सचेंज हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उसी लम्हे लंग्स में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो किस में चली जाती है? वो ब्लड में चली जाती है। ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई में आ जाती है, अल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है। ये गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो गया। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि ये ऑक्सीजन जो है ये ब्लड में पहुंच गई। अब ये ब्लड क्या करेगा, क्योंकि ये गाड़ी है, कैरियर का काम कर रहा है, लेके जाने का काम कर रहा है। ब्लड का काम ये है कि ये ब्लड जाएगा इस ऑक्सीजन को लेके, आपकी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचेगा, हाथ पैर कान नाक सर सब जगहों तक ये ब्लड जो है जाएगा, और सब जगहों पर जो सेल्स मौजूद हैं उन सेल्स को ले जाके ये ब्लड ये ऑक्सीजन दे देगा। हर सेल के अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, पहले पहुंच चुके हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपकी बॉडी के एक एक सेल तक। ये ऑक्सीजन बाद में पहुंची है, तो सेल के अंदर ये मौजूद है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पहले, ऑक्सीजन अब पहुंची है। अब ये जिनके दरमियान जो केमिकल रिएक्शन होगा, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन सेल्स के अंदर हो रहा है इसलिए हम इसको कहेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। समझ में आ गई बात आपको? तो ये रेस्पिरेशन असल में ये इन तीन स्टेप्स का मजमूआ है, जिसको इन शॉर्ट में हम ये समझते हैं कि भाई ये हो रहा है। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन भी हम नॉर्मली यही लिखते हैं, क्या कहते हैं, द ब्रेकिंग डाउन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी का रिलीज होना, ये रेस्पिरेशन कहलाता है। लेकिन हकीकत बात ये नहीं है, ये जो चीज़ है असल में वो ये सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? ये सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाती है। जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं एनिमल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, पहले ब्रीथिंग हो रही है, एयर जा रही है लंग्स में, लंग्स के आखिरी स्टॉप तक अल्वियोलाई तक, वहां तक एयर जाके अल्वियोलाई तक जाके एयर में से ऑक्सीजन निकलती है और ब्लड में जाती है, और उसी लम्हे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और अल्वियोलाई में आती है। ये जगह है जहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, और ब्लड में ऑक्सीजन पहुँचने के बाद फिर ब्लड क्या करता है, आपकी बॉडी के एक एक सेल तक इस ऑक्सीजन को पहुँचा देता है। वहाँ पर जाने के बाद ये ऑक्सीजन हर सेल में पहुँचने के बाद ये तीसरा स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। नोट्स में डाल लीजिए, ये बेहद अहम है, ठीक है भाई। तो ये गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस का एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया। इसी के अंदर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अब हम डिस्कस करने जाएंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप हैरान रह जाएंगे इसको समझ के कि ये कितना बड़ा जो है वो कितना अल्लाह ताला का एक मिरेकल है, मौजजा है, यानी कि समझ से बाहर बात है कि आपका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको उर्दू में निज़ाम में तनफ्फुस भी कहा जाता है। तो ये तनफ्फुस का जो निज़ाम है, सांस लेने का जो निज़ाम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये इतना ज़बरदस्त निज़ाम है कि बयान से बाहर है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक चीज जो उनको हम कहते हैं एयर पैसेज वेज, और दूसरा हिस्सा क्या है इसका, दूसरा हिस्सा है लंग्स, ठीक है। एयर पैसेज वेज जो हैं ये क्या हैं, ये रास्ते हैं। पैसेज वेज मतलब रास्ते, एयर जहां से एयर गुजर रही है। अब कहां से एयर गुजर रही है, आपकी नोज से गुजर रही है। इसमें क्या आ जाता है, नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल ये नाक के नथनों को कहा जाता है, जिसमें ये नोज पिन लगती है ये वाले, इनको नोस्ट्रिल कहा जाता है। इसके अंदर, अब मैं इसकी शेप बनाऊं तो यहाँ पर ये नोज बन गई और इसके अंदर ये
ये होल आ गया, यही होल जो है इस तरह से जा रहा है, ये आपकी नोज हो गई, यहां से ये होल और यहां से ये एयर पैसेज है पूरा का पूरा, ये जो है वो नोस्ट्रिल कहलाएगा और ये एयर पैसेज यहां से यहां आ रहा है। ये क्या आ गया, ये आपका थ्रोट है नॉर्मली, जिसको हम हलक कहते हैं, थ्रोट हलक कहते हैं, वो यहां से नीचे आने के बाद ये आपके लंग्स जो है वो बन जाते हैं, दो ये लंग्स बन जाते हैं। सिंपल सा डायग्राम मैंने बनाया यहां से ये, तो यहां से नॉस्ट्रिल से लेके यहां तक का जो पोर्शन है, ये जो रास्ता है सारा का सारा, ये इनको हम कहते हैं एयर पैसेज वेज। ये सिर्फ इसमें नॉस्ट्रिल शामिल नहीं है, इसमें और चीजें भी आएंगी, अभी बताता हूं। और उसके बाद ये दो लंग्स आ जाते हैं, ये दो चीजें मिलके आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो पहले एयर पैसेज वेज को देखें, नॉस्ट्रिल से स्टार्ट, नॉस्ट्रिल से आगे चलते हैं तो यहां पर ये जो आपका हलक आता है इसको हम कहते हैं लैरिंक्स। क्या कहते हैं? लैरिंक्स। लैरिंक्स जो है ये हलक आपका, ये जो पोर्शन है ये भी कुछ चीजों से मिलके बनता है, इनकी डिटेल्स अभी देखेंगे, अभी डिटेल की बात अभी होगी। नॉस्ट्रिल के अंदर भी, ये नाक के अंदर जो है, ठीक है, नॉस्ट्रिल जिसको हम नाक के नथने कहते हैं, इसकी भी डिटेल है, लैरिंक्स की भी डिटेल है, अभी आगे चलते हैं। तो बहरहाल ये लैरिंक्स हो गया आपका हलक, इसी लैरिंक्स के अंदर वॉइस बॉक्स होता है जिसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं, समझ में आ गई बात। और इसी साउंड बॉक्स से जो आपकी आवाज निकल रही है वो इसी से निकल रही है, लैरिंक्स के अंदर जो साउंड बॉक्स है वहीं से ये आवाज प्रोड्यूस हो रही है। इसी लैरिंक्स के अंदर साउंड बॉक्स भी है, इसी लैरिंक्स के अंदर जो है वो ग्लोटिस भी है, इसी लैरिंक्स में एपिग्लोटिस भी है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद तीसरी जो चीज आ जाती है वो आ जाती है ट्रैकिया। ट्रैकिया ये जो पोर्शन है ये वाला हलक से नीचे वाला यहां तक, इसको ट्रैकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैकिया कहा जाता है। इसी को हम फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप, सॉरी विंड पाइप। उर्दू में इसको कहा जाता है हवा की नाली, हवा की नाली, ये विंड पाइप कहलाता है, समझ में आ गई बात। ट्रैकिया ये बड़ी सी, और उसके बाद आगे जो है यही ट्रैकिया है, जो ट्यूब यहां तक आई है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इन दो हिस्सों को हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई ये कितने होते हैं? ये टू होते हैं। इसको मैं यहां और बना के दिखा दूं, ये आ रहा है यूं, ये ट्रैकिया आ रहा है, और ये दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड हो गया। तो ये जो दो ब्रांचेस आपको नजर आ रही हैं, ये वाली और ये वाली, इनको ब्रोंकाई कहा जाता है। यही दो ब्रांचेस आगे जाके फर्दर और ब्रांचेस में टूट जाती हैं, गुच्छा सा एक बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है। ये जो नेटवर्क साहब छोटी छोटी नालियों का बन चुका है, ये भी ट्यूब्स हैं, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी हैं बहुत सारी मिलियंस के करीब होती हैं, इनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है, ब्रोंक्यूल्स। और इन्हीं ब्रोंक्यूल्स में आगे जाके जो है वो फाइनली अल्वियोलाई आ जाता है, अल्वियोलाई। अब ये एयर पैसेज वेज में आपको समझा रहा था, नॉस्ट्रिल से कहानी चली थी, फिर लैरिंग्स तक आ गए हम और ट्रैकिया तक आ गए। हकीकत बात ये है, फिर लंग्स कहाँ गए भाई? आप सब सोच रहे होंगे, आप सर लंग्स कहाँ चले गए? ये तो एयर पैसेज वेज भी कहानी ख़त्म हो गई। नहीं, नॉस्ट्रिल से लेके लैरिंग्स से लेके ट्रैकिया तक जो है ये आपका जो है वो एयर पैसेज वेज है, वो रास्ते जहाँ से हवा गुजर रही है। जब ब्रोंकाई की बात आती है, ब्रोंकाई यहाँ से शुरू होता है इस जगह से, तो आप एक चीज पे और गौर करें, जहां से ब्रोंकाई ये शुरू हो रहा है, ये वाला, ये दो, इसको मैंने अलग से भी यहां बना के दिखाया था, ये जो दो ब्रांचेस निकल रही हैं मोटी सी इस ट्रैकिया से, ये ट्रैकिया है, ठीक है, ये रहा ट्रैकिया, और यहां आने के बाद यही ट्रैकिया दो हिस्सों में जो डिवाइड हो रहा है इनको ब्रोंकाई कह रहे हैं। तो ये ब्रोंकाई जो खुल रहे हैं असल में, ये किसके अंदर खुल रहे हैं भाई? ये लंग्स में खुल रहे हैं, ये लंग्स तो हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रोंकाई ये जो दो हैं, ये वो एयर पैसेज हैं जो किसके अंदर खुल रहे हैं? ये लंग्स के अंदर खुल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये बात भी ध्यान मशीन रखनी है कि लंग्स के अंदर भी एयर पैसेज वे है भाई। देखें, लंग्स के अंदर अगर एयर पहुंचेगी तो रास्ता तो कोई होगा ना, बगैर रास्ते के तो एयर कैसे जाएगी आगे? तो वो रास्ते क्या हैं? ट्यूब्स हैं, नालियां हैं, पाइप्स हैं, छोटे छोटे पाइप्स।
तो ये नोस से लेके आगे लैरिंग्स से लेके ट्रेकिया, ये सब पाइप है, बड़ा सा पाइप है, आप इसको फील कर सकते हैं यहाँ पे हाथ लगा के। यही बड़ा सा पाइप आगे जाके दो छोटे पाइप में डिवाइड हो जाता है जिसको ब्रोंकाई कहते हैं, और वहीं से आपके लंग्स शुरू हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एयर पैसेज वेज असल में दो हिस्सों में डिवाइड हैं, वो एयर पैसेज वेज जो के लंग्स से ऊपर हैं, ये रहे, इसमें एक में ट्रेकिया आ गया, ये लैरिंग्स, ये भी एयर पैसेज वे है, और ये नोस्ट्रिल या नोस, जिसको हम नेसल सैक्स भी कहते हैं, नेसल सैक्स, सैक्स का मतलब होता है पाउच, SACS पाउच, नेसल वर्ड निकला है नोज से, यानी कि ये जो नोज है आपकी, अंदर जाके ये जो रास्ता बना रही है इस पूरे रास्ते को, कहाँ से कहाँ तक, नोस्ट्रिल से लेके कहाँ तक, आपके हलक तक, ये जो दूसरा पोर्शन है, नोस्ट्रिल से लेके आपके हलक लैरिंक्स तक का जो रास्ता है ये पूरा, इसको नेसल सैक्स कहते हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो ये नेसल सैक्स यहाँ तक आ गया, उसके बाद लैरिंक्स आ जाता है, ये आपका हलक, ठीक है, और उसके नीचे ये ट्रेकिया आ जाता है। उसके बाद जो लंग्स शुरू होते हैं, बाकी के एयर पैसेज वेज, वो रास्ते जिनसे एयर गुजर रही है, वो फिर बाकी के एयर पैसेज वेज किस में आ जाते हैं, वो लंग्स में आ जाते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, लंग्स में आने के बाद ये एयर पैसेज वेज ब्रोंकाई कहलाता है, दो हिस्सों में जो टूट गया, जो मैंने दिखाया, एक ये और दूसरा ये रहा, दो ब्रांचेस में, दो मोटी ट्यूब्स में, और फिर ये आगे मजीद छोटी छोटी ट्यूब्स में, जिनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है, और यही ब्रोंक्यूल्स फाइनली जो है वो छोटी छोटी सी थैलियों में, ये पाउच हैं असल में, अल्वियोलाई जो हैं वो पाउच हैं, छोटी छोटी सी अंगूर के दानों जैसी पिक्चर अगर आप देखें ना तो आपको ये नज़र आएंगी, गोल गोल सी इस तरह की, ये अल्वियोलाई कहलाती है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे एयर, यहाँ तक एयर जो है वो फाइनली पहुँच जाती है। तो ये एक अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन था, इसकी डिटेल्स अभी आ रही हैं, मैं अभी तफसील बताता हूँ आपको, ये इतना आसान नहीं है, बात यहाँ तमाम नहीं हुई अभी, ठीक है। क्विक रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि जहन से चीज़ें निकल जाती हैं। क्या क्या बताया मैंने आपको? रेस्पायरेशन का बताया, रेस्पायरेशन का क्लियर किया कि सेलुलर रेस्पायरेशन और रेस्पायरेशन में क्या फ़र्क है। रेस्पायरेशन एक बड़ा नाम है, सेलुलर रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, ये बताया मैंने आपको। और मैंने आपको ये बताया कि सेलुलर रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन का तीसरा हिस्सा है। रेस्पायरेशन में पहला हिस्सा ब्रीथिंग का आता है, दूसरा हिस्सा जो है हमारे पास जो है वो गैशियस एक्सचेंज का आता है, और तीसरा हिस्सा हमारे पास जो है वो किसका आता है, सेलुलर रेस्पायरेशन का आता है, ये मैंने बताया। फिर मैंने आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम का बताया कि उसके अंदर क्या है हमारे पास, जो ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर दो हिस्सों में ये डिवाइड है, एक हिस्सा जो है वो एयर पैसेज वेज कहलाता है और दूसरा हिस्सा लंग्स कहलाता है। और एयर पैसेज वेज जो है ये वो रास्ते हैं जहाँ से एयर गुजर रही है, इसमें आपके नोस्ट्रिल आ गए, और ये अंदर का नोस्ट्रिल से लेके हलक तक का जो रास्ता है इसको नेसल कैविटी, नेसल सैक्स कहते हैं, नेसल सैक्स और नेसल कैविटी भी कहा जाता है, नेसल कैविटी, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, ठीक है भाई। तो ये नोस्ट्रिल से नेसल कैविटी या नेसल सैक्स का सिस्टम शुरू होता है, ये बताया मैंने आपको। उसके बाद जो है वो लैरिंक्स तक आप पहुँचते हैं, ये आपका हलक कहलाता है, इस लैरिंक्स के अंदर ग्लोटिस मौजूद है, ये क्या है इसकी तफसील बताता हूँ, एपिग्लोटिस मौजूद है, ये बताता हूँ आपको ये एपिग्लोटिस क्या है, वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स मौजूद है, या साउंड बॉक्स ये मौजूद है, इन्हीं को हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। तो ग्लोटिस हो गया, एपिग्लोटिस हो गया, वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड्स हो गया, या साउंड बॉक्स हो गया, और चौथी चीज़ है यहाँ पर कार्टिलेजिनस रिंग्स। अगर आप अपने गले पे हाथ लगाएं तो आपको ये गोल गोल सा महसूस होगा, गोल गोल रिंग्स। तो असल में ये जो नेसल सैक्स है, ये वाला नोस से जो आपका सिस्टम शुरू हो रहा है, यहाँ से जब ये आगे जाता है हलक तक जाता है, ये
और ये जो है वो ट्रैकिया शुरू हो जाता है। ये ट्रैकिया है पूरा का पूरा बड़ा साइज, ये ट्यूब जो है, बड़ी ट्यूब जो है ये आगे जाके जो लंग्स में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो बड़ी सी ट्यूब्स है इसके गिर्द रिंग्स हैं। क्या हैं इसके गिर्द? रिंग्स हैं। ये रिंग्स आगे तक जाती हैं, ठीक है। यही रिंग्स यहाँ पर भी हैं, लैरिंक्स में भी, ठीक है। नेसल सैक्स में रिंग्स नहीं हैं, इनको कार्टिलेजिनस रिंग कहा जाता है। कार्टिलेजिनस रिंग क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये कार्टिलेज की बनी हुई होती है, कार्टिलेज की बनी हुई होती है। कार्टिलेज क्या होता है? ये बोन की एक टाइप है, टाइप ऑफ बोन, हड्डी की एक किस्म है। इसको नॉर्मली हम कहते हैं कुरकुरी हड्डी। ये देखें आपके कान में, देखें यहाँ पर आपको फील होगी, नोज़ में देखें यहाँ पर आपको फील होगी, ये सॉफ्ट हड्डियाँ होती हैं, कार्टिलेज जो कहलाती हैं, ठीक है। छोटे बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट जिनको हम कहते हैं, पैदाइशी दूध पीने वाले बच्चे, लगभग तकरीबन आपको पता होना चाहिए 2 साल तक, 2 या 3 साल तक, मुझे एग्जैक्ट अभी टाइम याद नहीं आ रहा, हमारे जिस्म में आपको पता है कि 206 हड्डियाँ होती हैं। पता है ना ये बात आपको? 206 बोन्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर भी 206 बोन्स हैं। बच्चा जो होता है, इंसानी बच्चा, दूध पीता बच्चा, उम्र 3 साल की उम्र तक उसके अंदर 206 बोन्स नहीं होती बल्कि 350 बोन्स होती हैं। आपको पता है 350 बोन्स। अल्लाह ताला ने छोटे बच्चों के जिस्म में इजाफी हड्डियाँ रखी हुई हैं। 206 तो हैं, उसके अलावा भी बोन्स मौजूद हैं छोटे बच्चों में। क्यों मौजूद हैं? अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत का इंतज़ाम कर रखा है। कैसे इंतज़ाम कर रखा है? ये इजाफी हड्डियाँ जो बच्चों में मौजूद हैं, जो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती हैं, ये कौन सी हैं? ये यही हैं, कार्टिलेज। ये कुरकुरी हड्डी देखें कितनी सॉफ्ट है, अल्लाह ताला ने पैक किया हुआ बच्चों को। बच्चे देखें लुढ़कते रहते हैं, गिरते रहते हैं इधर उधर, लेकिन रेयर केसेस में उनकी हड्डी टूटती है। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी बॉडी रैप अप हुई हुई होती है इन कार्टिलेज के अंदर, इस कुरकुरी हड्डी के अंदर। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए 350 के करीब बोन्स होती हैं, जो बच्चे जैसे बड़े होते रहते हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। बराबर। तो ये कार्टिलेजिनस रिंग जो है ये कार्टिलेज की बनी हुई है, ठीक है। और ये कहाँ से शुरू हो रही है? लैरिंक्स से। आपका हलक यहीं से ये शुरू हो जाती हैं। ट्रैकिया में भी ये रिंग्स होती हैं, और ये ट्रैकिया आगे जाके जो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, जिनको हम कहते हैं ब्रोंकाई, ये 2 जो ब्रोंकाई हैं इनके गिर्द भी ये रिंग्स होती हैं। पानी का पाइप होता है, आपको पता है पानी का पाइप, क्या वो पिचक नहीं सकता? बिल्कुल पिचक सकता है। तो इसी को हम कहते हैं कोलैप्स हो जाना। तो ये जो ट्रैकिया है ये क्या, ये भी तो एक पाइप ही है। ये ब्रोंकाई क्या है, ये भी तो पाइप ही है। तो क्या ये कोलैप्स नहीं हो सकता, पिचक नहीं सकता? क्या डैमेज नहीं हो सकता धक्का लगने से, उठने बैठने से, उछल कूद करने से? लेकिन यहाँ भी अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन रखी हुई है। ये कार्टिलेज बोन्स जो हैं इस पाइप को पिचकने नहीं देती, कोलैप्स नहीं होने देती, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई, कितनी इन्फॉर्मेशन जमा हो गई, अभी आगे चलते हैं। बहुत कुछ है बताने को, ज़रा तसल्ली से बैठिए, बहुत कुछ है। मिटा दूं इसको, लिखते जाइए बस आप, वीडियो रोक रोक के सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लिखते जाइए। अच्छा, और क्या है भाई इसके अंदर? ये मैंने छोटे छोटे से पॉइंट्स जो है, इतना मटेरियल है इसके अंदर, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना वो मैंने लिख के रखे हुए थे। बहरहाल आगे चलते हैं। तफसील तो मैं सारी तकरीबन बता ही चुका हूँ, और भी बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं। ये जो आपके लंग्स हैं, ये जो लंग्स हैं आपके, अब लंग्स तो ऐसे तो नहीं होंगे, लेकिन चलें अभी फ़िलहाल बुरा मत मानिएगा, इन्हीं को लंग्स समझ लें। ये जो लंग्स हैं ये जो है वो एक पाउच में कवर्ड होते हैं। किस में कवर्ड होते हैं? ये एक पाउच में कवर्ड होते हैं, ठीक है, एक पाउच में कवर्ड होते हैं, एक रैपर में कवर्ड होते हैं आपके लंग्स। ये जो रैपर है, ये जो रैपर है इसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। अब देखें, कोई चीज़ अगर आप पाउच में डालेंगे, थैली में डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? ये लंग्स इस पाउच में मौजूद हैं, तो ये रहा पाउच और ये रहे लंग्स, ये बीच में स्पेस तो रह जाएगा ना, स्पेस तो रह जाएगा। ये जो स्पेस है,
ठीक है, यहां पर एक फ्लूड होता है, एक लिक्विड होता है। क्या होता है यहां पर? एक फ्लूड होता है, एक लिक्विड होता है ल्यूब्रिकेशन के लिए। ल्यूब्रिकेशन के लिए, ल्यूब्रिकेशन मतलब चिकना रखने के लिए इसको, ताकि आपके लंग्स जो हैं वो ड्राई ना हो, ल्यूब्रिकेंट रहें। ये जो है वो फ्लूड यहाँ पर भरा हुआ होता है। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, और क्या क्या तफसीलात हैं? ये जो आपके लंग्स हैं, ये जो लंग्स हैं, आपकी बॉडी में दो कैविटीज़ हैं। अब ज़रा इसको भी समझ लीजिए, मिटा दूँ इसको। आपकी बॉडी जो है ना यहाँ पर, इसमें दो कैविटीज़ हैं। कैविटी किसको कहते हैं? खाली जगह को। कैविटी मतलब खाली जगह। कौन कौन सी कैविटीज़ हैं? एक कहलाती है एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। दूसरी कहलाती है रेस्पिरेटरी कैविटी, दूसरी कहलाती है रेस्पिरेटरी कैविटी। ये कहाँ मौजूद है? ये जो आपका पोर्शन है, यहीं पर ये दो कैविटीज़ खाली जगहें मौजूद हैं। ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल वर्ड एब्डोमिन से निकला, इसका मतलब है पेट आसान लफ्ज़ों में। इस कैविटी के अंदर ये रही वो कैविटी, ये रही, इसमें सारा का सारा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। आपके हलक से दो पाइप जाते हैं, एक पाइप जो है वो फूड पाइप कहलाता है, जिसको ईसोफेगस कहते हैं। दूसरा पाइप जो है वो क्या कहलाता है? ट्रेकिया कहलाता है, जिसको विंड पाइप कहते हैं। एक फूड पाइप हो गया, दूसरा विंड पाइप हो गया। तो ये फूड पाइप जो है, जिसको ईसोफेगस कहते हैं, ये नीचे आ रहा है और यहाँ पर कौन सी कैविटी बना रहा है? वो कैविटी बना रहा है जिसमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स? इस कैविटी के अंदर स्टमक भी आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन भी आ जाती है, पैंक्रियास भी आ जाता है, लीवर भी आ जाता है, सब इसमें आ जाता है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली कैविटी है, इसको हम रेस्पिरेटरी कैविटी कहें, या एग्जैक्ट नाम में इसका लिखूं, उसको कहते हैं थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी। ये थोरेसिक कैविटी कहलाता है, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक वर्ड जो है वो थोरेक्स से निकला है, और थोरेक्स का मतलब होता है सीना, या आपका सीना। समझ में आ गई बात? सीना, थोरेक्स, थोरेक्स से ही थोरेसिक, थोरेसिक कैविटी। और ये थोरेसिक कैविटी वो है जिसके अंदर आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम रखा हुआ है। इस खाने में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम रखा हुआ है, इसी के अंदर लैरिंक्स है, इसी में ट्रैकिया है जो कि आपका विंड पाइप है, और इसी के अंदर आपके लंग्स वगैरह सब आ जाते हैं, और इसी के अंदर रिब्स आ जाती हैं। रिब्स, रिब्स भी तो हैं। रिब्स को क्या कहते हैं? पसलियाँ। ये जो हड्डियाँ हैं, ये रही लंग्स, बड़े सेंसिटिव होते हैं, ज़रा समझिएगा इस बात को। अल्लाह ताला ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये सीने की हड्डियाँ रखी हुई हैं, उन सीने की हड्डियों को पसलियाँ कहा जाता है, और इंग्लिश में इनको कहते हैं रिब्स। और ये केज सा बना लेती हैं, केज सा बना लेती हैं ये रिब्स, ठीक है। कितनी रिब्स होती हैं? ये 24 रिब्स होती हैं, ठीक है भाई। एब्डोमिनल कैविटी का भी समझ में आ गया आपको, और थोरेसिक कैविटी का भी समझ में आ गया। रिब्स की तरफ जाने से पहले इनके दरमियान में बता दूं आपको कि इन दोनों का सेपरेट होना ज़रूरी है। रिब्स की तरफ हम आते हैं, इन दोनों का सेपरेट होना ज़रूरी है। क्यों सेपरेट होना ज़रूरी है? क्योंकि आप जो खाना खाते हैं, देखें दो पाइप है ना यहाँ पर, एक फूड पाइप है और दूसरा विंड पाइप है। जब आप खाना खाते हैं तो क्या होता है? खाना कहाँ जाना चाहिए? आप जो खाना खाते हैं वो कहाँ जाना चाहिए? वो खाना लंग्स की तरफ जाना चाहिए या फिर स्टमक इंटेस्टाइन की तरफ जाना चाहिए? डेफिनेटली वो खाना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। तो वो खाना जब आप खाते हैं, प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ट्यूब्स जो हैं वो एक साथ ही हैं आपके हलक में। ये इस तरह से, ये मैं बना के दिखाता हूँ, ये देखें, ये वाली ट्यूब जो है वो क्या कहलाती है? फूड पाइप। ये वाली जो है वो क्या कहलाती है? विंड पाइप, जो कि लंग्स की तरफ जा रही है। ये फूड पाइप ईसोफेगस जो आगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बना रहा है। तो जब आप खाना खाते हैं तो खाना डेफिनेटली यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर अल्लाह ताला ने आपके लैरिंक्स के अंदर इंतज़ाम रखा हुआ है। लैरिंक्स के अंदर जो आपका हलक है,
यहाँ पर एक ढक्कन रखा हुआ है। वो ढक्कन क्या होता है? वो ढक्कन, इसको इंग्लिश में लिड कहते हैं, ढक्कन। तो वो ढक्कन जो है वो इसको बंद कर देता है। क्या करता है वो ढक्कन? इसको बंद कर देता है। किसको? ये जो आपका विंड पाइप है, इसको बंद कर देता है। और इस ढक्कन के ऊपर से खाना होता हुआ किसमें दाखिल हो जाता है? आपके फूड पाइप में दाखिल हो जाता है, आपके ईसोफेगस में दाखिल हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं खाने का निगलना, लुकमे का निगलना, स्वेलो करना। और क्या आप देखना चाहते हैं अभी कि ये ढक्कन नीचे बंद कैसे हो रहा है, खुल कैसे रहा है? आप कुछ अभी निगल लें, अभी जैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखें, तो यहाँ हाथ रखें। तो ये जो इसको कुछ लोग कौवा कहते हैं, तोता कहते हैं, ये जो यहाँ मौजूद होता है, ये क्या है? ये वही ढक्कन है। और जब आप कोई चीज़ निगलते हैं, ये क्या होता है? ये यूँ आके यूँ नीचे हो जाता है और इसके ऊपर से फूड जो है गुजरता हुआ चला जाता है आपके स्टमक के अंदर। ये जो ढक्कन है इसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। ये है वो ढक्कन, लिड, और ये बंद कर देता है, इसके ऊपर से फूड चला जाता है। कभी आप बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं तो फिर अचानक क्या होता है कि आपको ठसका लगता है, खांसी आना शुरू हो जाती है। तो अम्मा कहती हैं भाई ज़रा आराम आराम से खाना खाओ, जल्दी की क्या ज़रूरत है, होता ही। तो ये होता है कि फूड के कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो जल्दी जल्दी में यहाँ से फूड पाइप के बजाय विंड पाइप में जाने की कोशिश करते हैं। जा नहीं सकते, आपको पता होना चाहिए आपके लंग्स में अगर सॉलिड चीज़ का ज़र्रा भी चला जाता है, जैसे कि फूड पार्टिकल है, या आपके लंग्स आपके बड़े डेलिकेट हैं, बहुत ज़्यादा हसास हैं, तो इनके अंदर अगर फूड पाइप चला गया, वो इनके अंदर अगर फूड का पार्टिकल चला गया, खाने का छोटा सा हिस्सा भी यहाँ चला गया, आपकी डेथ हो सकती है, आप अल्लाह को प्यारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इसका पूरा इंतज़ाम है कि इन केस पहले तो ये ढक्कन लगाया हुआ है एपिग्लोटिस, कि जैसे आप कोई चीज़ निगलते हैं तो ये जो विंड पाइप है और इसका जो स्टार्ट है, ये ढक्कन इस विंड पाइप को बंद कर देता है, एपिग्लोटिस जिसको कहते हैं। और इनके साथ अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं खाने में, तो फिर यहाँ से क्या होगा कि वो अगर कोई एक आध ज़र्रा आपके विंड पाइप में चला भी गया तो एकदम आपको खांसी उठेगी, फौरन वो क्या होगा, वो ऊपर निकल जाएगा, दोबारा वापस चला जाएगा। खांसी जो होती है ना, एकदम हम खांसते हैं, तो खांसने का ये प्रोसेस क्या है? कफिंग। क्या है कफिंग? असल में आप क्या क्यों कर रहे होते हैं कफिंग? कफिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ योर एयरवेज। ये जो हवा के रास्ते हैं इनको साफ करने का असल में एक प्रोसेस है, जिसको हम कफ कहते हैं, खांसना कहते हैं। तो जब आप खांस रहे होते हैं तो आप साफ कर रहे होते हैं इस एयरवेज को, ये बड़ा सा एयरवेज जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, या विंड पाइप, हवा की नाली। समझ में आ गई बात? तो ये एपिग्लोटिस को भी यहाँ मैंने समझा दिया। अब ये नीचे चलें ज़रा, बात तमाम नहीं हुई अभी, ज़रा तसल्ली रखें, इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने बताया था मुश्किल है। अब ये दो जो कैविटीज़ हैं, एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एब्डोमिनल कैविटी में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये दोनों बड़े हसास हैं। अल्लाह ताला ने इनकी सेपरेशन के लिए, इनको अलग करने के लिए यहाँ पर एक मसल्स की शीट लगाई हुई, गोश्त का टुकड़ा लगाया हुआ है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं उसको? डायफ्राम कहते हैं। रिब केज की तरफ आता हूँ, रिब्स की तरफ आता हूँ भाई, तसल्ली रखिए ज़रा। ये डायफ्राम, ठीक है, इसको डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम, तो ये डायफ्राम क्या है? शीट ऑफ मसल है। ये क्या कर रही है शीट? ये इन दो कैविटीज़ को सेपरेट कर रही है, ठीक है। कौन कौन सी कैविटी को? थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को। अच्छा, उसके बाद जब मैं बोन्स की बात करता हूँ, तो बोन्स देखें आपकी ये पसलियाँ, ये मैं बना रहा हूँ अभी, ये जो आपकी पसलियाँ, ये आपका एक फ्रंट पार्ट हो गया और दूसरा आपका बैक पार्ट हो गया। आपको पता है आपकी बैक साइड पे क्या है? बच्चे से पूछेंगे वो भी बोलेगा सर बैक साइड पर बैक बोन है। इस बैक बोन को वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम,
वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन, बैक बोन, ठीक है। फ्रंट पे क्या है, फ्रंट पे भी आपके बैकबोन जैसी एक बोन है, ठीक है। इसको कहते हैं स्टर्नम, क्या कहते हैं स्टर्नम, ये रही वो, ये इस जगह पर, ये माइक लगा हुआ ना यहाँ पे देखिए, ये इस जगह पे ये पट्टी बनी हुई है बिल्कुल एज इट इज, इसी तरह की एक बोन है फ्रंट पे और एक बोन है बैक पे। फ्रंट वाली जो बोन है स्ट्रेट वर्टिकल, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टर्नम कहते हैं, और जो बैक पे बोन है उसको हम बैक बोन कहते हैं या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ये रिब्स जो हैं ये स्टार्ट कहाँ से होती हैं, बोन्स से निकल के स्टर्नम में जाके घुस रही हैं, अटैच हो रही हैं, या स्टर्नम से निकल के पीछे बैकबोन की तरफ जाके अटैच हो रही हैं। तो ये स्टर्नम से निकल रही हैं, इनका स्टार्ट इससे हो रहा है स्टर्नम से, यहाँ से निकल के ये पीछे कहाँ जा रही हैं, आपकी बैकबोन में जाके उससे अटैच हो जाती हैं, ये रिब्स कहलाती हैं। और ये रिब्स जो हैं पसलियाँ, ये एक ये रही और एक ये रही, एक ये रही एक ये रही एक ये रही एक ये रही, यूँ निकल रही हैं, यूँ यूँ यूँ, समझ में आ रही है बात। तो ये जो रिब्स यहाँ से निकल रही हैं ये अब इन दोनों को कलेक्टिवली हम कह सकते हैं, एक यहाँ से निकली एक यहाँ से निकली, पीछे जाके ये बैकबोन के साथ अटैच हो गई, तो ये जो कहलाएगा पेयर ऑफ रिब कहलाएगा, पेयर ऑफ रिब्स। तो ऐसे कितने पेयर्स हैं, 12 पेयर्स हैं। अगर 12 पेयर्स हैं तो डेफिनेटली रिब्स कितनी हो गई, 24 हो गई, 24 रिब्स हो गई। तो ये 12 पेयर ऑफ रिब्स या 24 रिब्स या 24 पसलियां जो स्टर्नम से निकल के पीछे घूम के रिंग बनाती हुई आपकी बैकबोन से जाकर अटैच हो रही हैं, ये पूरा का पूरा कलेक्टिवली, इसको हम क्या कहते हैं, इस पूरे पिंजरे को हम कहते हैं रिब केज, रिब केज, केज सी ए जी केज, वैसे पिंजरे को कहा जाता है। तो ये पिंजरा जो है इस तरह का बन जाता है आपकी रिब्स का, इससे क्या होता है, इससे भी प्रोटेक्शन होती है आपकी जो है वो किसकी, आपके लंग्स की, आपके लंग्स बड़े डेलिकेट हैं। मेरे ख्याल में भाई इतना काफ़ी है, ठीक है, काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें बता दी हैं आपको, बहुत चीज़ें बता दी हैं, नॉस्ट्रिल्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, मैं मानता हूँ इस बात को, अभी भी इसमें इतनी डिटेल है कि मुझे कम से कम शायद इसका पार्ट टू बनाना पड़े, लेकिन मेरे ख्याल में इतना इनफ है, इतना इनफ है आप लोगों के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इसके बाद हम अगला जो हमारे पास ब्रीथिंग का सिस्टम है ना, अगला टॉपिक जो है वो ब्रीथिंग का है कि आप सांस किस तरह से लेते हैं, जो प्रोसेस है आपका, उस मैकेनिज्म क्या है, उसको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।